प्रमोट कर रहे हैं। सर मेरे को कहो तो मैं बोलूँगा पकड़ के मारना चाहिए। मैं बोल भी गया हूँ ये जो अक्षय कुमार से, अक्षय कुमार को डांटा मैंने सर हेल्थ को। देखो गाइस, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं और फिल्मों के अलावा एड से भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता रहे कि अभी रिसेंटली अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ, ये तीनों चारों एक्टर ने बीमल जो है दोस्तों एक ब्रांड उसका कहीं ना कहीं दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की थी। अब इसी को लेकर मुकेश खन्ना का एक बड़ा रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि ये जो एक्टर हैं वो ज़्यादा पैसे के लिए इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं इसे एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कहा जाता है, जैसे कि किसी और चीज़ का नाम दिखाकर कुछ और प्रमोट कर देना, उसी तरह का दोस्तों कुछ है। और ये जो ब्रांड्स हैं वो एक्टर्स को कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की फ़ीस पे करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, जहाँ पर अक्षय कुमार, अजय देवगन, इसके अलावा शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ ने अभी इन सब प्रोडक्ट के ऐड किए थे रिसेंटली ही। अभी अक्षय कुमार ने जो अपनी एंडोर्समेंट है उसको हटा ली है, लेकिन अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ की ऐड। इस पर दोस्तों मुकेश खन्ना का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो भी एक्टर हैं इन्हें पकड़ के मारना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं इसे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके बीच एक गलत मैसेज जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी चीज़ को इशू को उठाया, जो कि है दोस्तों रम्मी करके एक ऐप आता है, जहाँ पर दोस्तों हम रम्मी एक हिसाब से कहा जाए तो जो ऑनलाइन सट्टे की तरह हो गया, जिसमें दोस्तों पैसे लगाकर लोग पैसे जीतते हैं। इस पहले ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अब ऑनलाइन इसका बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। रमी सर्कल ऐप को बहुत सारे एक्टर प्रमोट करते हैं, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर हैं, कई सारे क्रिकेटर भी इसको प्रमोट करते हैं। इस पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के जो एक्टर्स हैं वो इस तरह की चीज़ें जो प्रमोट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और इन सभी चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। स्पेशली अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जो कि यंग जनरेशन के एक्टर हैं, इन्हें तो इस तरह के ब्रांड के ऐड बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इससे एक गलत मैसेज जाता है समाज में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सभी एक्टर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी इस तरह के काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे लेकिन मैंने आज तक ये ऐड नहीं किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और इन सभी एक्टर को ये बात को समझना होगा। और इस तरह के एड्स जो हैं वो ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़तरनाक है, जो कि कैंसर को फैला रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अजय देवगन, अक्षय कुमार, इसके अलावा शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जो भी बड़े एक्टर हैं इस तरह के रमी सर्कल हो गए या फिर बीमल के जो एड्स हैं इन्हें नहीं करना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।